अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन खैर मकदम है आपका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इरशादात की इस मजलिस में हज़रत इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफ़रद में, उनकी एक मशहूर किताब है, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में, और इमाम बहटी ने शोबुल ईमान में, और अल्लामा अल्बानी ने अपनी अस्सहीहा में हज़रत अब्दुल्ला से ये रिवायत नकल की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दरमियान अखलाक बिल्कुल इसी अंदाज से तकसीम किए हैं जैसे रोज़ी तुम्हारे दरमियान तकसीम की है। हम ये तो मानते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ी तकसीम कर दी है हर एक को। कुरान शरीफ में जगह जगह इस बात का तज़किरा किया गया है। और एक बात और फरमाई, सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया का माल, उसकी शान और शौकत, उसका साजो सामान उसे भी देता है जिसको पसंद करता है, और उसे भी देता है जिसको पसंद नहीं करता, अपने महबूब को भी और अपने अदू को भी, दुश्मन को भी और दोस्त को भी, दोनों को दुनिया देता है। लेकिन अखलाक का मामला अलग है, ईमान का मामला बिल्कुल अलग है। ईमान दुश्मन को कभी नहीं देता, ईमान की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दुश्मन को कभी नहीं देता। किसको देता है? जिसको पसंद करता है, जिसे मोहब्बत रखता है, जिसको अपना महबूब बनाता है, उसको ईमान की दौलत से सरफराज कर देता है। अब अगर कोई आदमी ये देखता है माल से उसको बहुत मोहब्बत है, माल खर्च नहीं करना चाहता, अपनी जान से बड़ी मोहब्बत है, किसी दुश्मन इस्लाम से वो दो दो हाथ नहीं करना चाहता, और अपने आराम से बहुत मोहब्बत है, आराम, जान और माल, तीनों चीजों से उसे बहुत मोहब्बत, जान से मोहब्बत है लिहाजा इस्लाम की खातिर लड़ने के लिए तैयार नहीं, माल से मोहब्बत है कितनी ही जरूरत हो जाए लोगों को, लेकिन वो माल किसी को देने के लिए तैयार नहीं, कंजूस नंबर वन है, और जान की मोहब्बत ने उसको बुजदिल बना रखा है, और अपने आराम और आशाइश से इतना प्यार करता है कि रातों को उठकर अल्लाह का जिक्र करे, दो रकत नमाज पढ़ ले, यह भी उससे नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे आदमी को चाहिए कि वो कसरत से ये दुआ पढ़ा करे, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, तीन लफ्ज है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, तीन बुराइयां उसके अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को बतलाया कि ये तीन कलमे अगर वो इनकी कसरत रखे, इनका विर्द रखे, बैठते उठते चलते फिरते ये कलमे, इन पर गौर करके, इनके मानी पर ध्यान देकर, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह ये कहता रहे, तो सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जो तीन बुराइयां इसके अंदर है, अपनी जान से बड़ी मोहब्बत है इसको, ये कभी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की जुरत नहीं करते, माल से बड़ी मोहब्बत है, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता, बखीली और कंजूसी ने इसको बे इंतहा बखील बना रखा है, आराम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अगर ये कलमे कहेगा सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो जो कमी उधर होती है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कलिमात की वजह से उस कमी को दूर कर देगा। कहे इनके मानी और मतालिब को, इनके तकाजों को समझकर, तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी, माल की नहीं, अल्लाह के लिए रातों को जागेगा, आराम की मोहब्बत नहीं,
اپنی جان سے محبت نہیں ہوگی اسلام سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دل میں محبت کا ایک دریا موجزن ہو جائے گا۔ تو بھائیو عزیزو، عمل کرو اس پہ۔ ہماری حالت تو یہی ہے، ہم اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے آرام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کا یہی حال ہے آج کے زمانے میں، تو الا ماشاءاللہ دو چار آدمی اس سے نکل جائیں، لیکن اکثریت ہماری ان تین چیزوں میں لپت ہے، گرفتار ہے، مال کی محبت، جان کی محبت اور آرام کی محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے۔ دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔